दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 3 जून 2020। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, राज्य चयन बोर्ड उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। सैलरी 8,880 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या ओबीसी के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ₹500 शुल्क है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर ई चालान से ऑफलाइन भी कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर। पैटर्न आप पूरा नोटिफिकेशन से ही रीड कर सकते हो, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, ssbodisha.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले THDC इंडिया लिमिटेड में, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की भर्ती है। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सैलरी 50,000 से 1,60,000 पर मंथ के लिए है। MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष है। जनरल ओबीसी WS के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। SST PWD या EX सर्विसमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा UGC NET जून 2020 और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। THDC.CO.INH की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 15 जून 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 जून 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 2 जुलाई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की। 800 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 16,500 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹300 आवेदन शुल्क है। OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹200 आवेदन शुल्क है। SST PWD फीमेल के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। बिना एग्जाम की भर्ती है, ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा, मेरिट से सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है, cghealth.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, NTA UGC नेट जून 2020 के माध्यम से भर्ती की जाएगी। वेरियस वैकेंसीज है, सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। मास्टर डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। JRF के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ₹1,000 जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क है। OBC NCL के लिए 500 है। SST PWD ट्रांसजेंडर के लिए ₹250 है। पेमेंट की अगर बात की जाए तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम से सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। UGC NET.NTA.NIC.IN इस पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। COVID-19 के चलते इसकी लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। सबसे पहले जो 16 अप्रैल थी, उसके बाद 16 मई, उसके बाद 31 मई, अब आप इस भर्ती के लिए यहाँ पे 15 जून 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ये भर्ती एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। JRF लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। CSIR UGC NET जून 2020 से
यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। वेरियस पद है, वहीं बात योग्यता की जाए तो एमएससी डिग्री, बीएस, एमएस, बीएस, फोर ईयर्स, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस से आप अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ के लिए 28 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। 1,500 रुपये और 250 रुपये आवेदन शुल्क है। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम से चेंज किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। csirnet.nit.nic.in पोर्टल से आवेदन कर सकते हो। इसके लिए भी COVID-19 के चलते आप इस भर्ती के लिए 15 जून 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 3 जून 2020 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको विभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।